अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। तो आज हम लोग आए थे डिनर पे इब्ने बतूता रेस्टोरेंट में, जो कि नॉर्थ नाजमाबाद में है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरा फ़र्स्ट टाइम विज़िट था यहाँ पे, और बना हुआ भी बहुत ही प्यारा है और सर्विसेज बहुत अच्छी हैं इनकी। और ये नीचे भी है और ये देखिए कितना हसीन इन्होंने बनाया हुआ है। नीचे जो है वो पार्टी वगैरह का है और ऊपर जो है इनका डिनर वगैरह, लोग लंच डिनर ये सब होता है इनका। तो आप लोग भी आइएगा, जो बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। ये देखें, ये बाहर का था, नीचे फ्लोर का बहुत ही खूबसूरत और हसीन, ये देखें। और ये स्टेयर्स चढ़ के हम ऊपर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है सारा बर्थडे का अरेंजमेंट भी आप लोग करवा सकते हैं, उसके हवाले से भी है ये। और बाकी आप लोगों को खाना ऑर्डर करना है, आप खाना ऑर्डर करें और अपनी फैमिली के साथ आए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, रिलैक्स है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, हवादार है, ओपन एयर में बिल्कुल, और सुकून है, जैसे शोर शराब इस तरह का नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट बर्थडे की हुई थी। और बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं कि जैसे यहाँ पे राइड्स है बच्चों की, यहाँ राइड ले लें। और गेम्स था, ये रामीन को मैंने दिलाया था कि आप कर लो ये गेम। तो गेम्स के बाद जो है, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ। ये देखें पूरा, आप देखें, अच्छा इससे ऊपर भी है, नीचे है, फर्स्ट फ्लोर है और उसके बाद सेकंड फ्लोर है। और यहाँ पे ये देखें, ये रामीन जो है, ये गाड़ी इनको बिल्कुल भी नहीं आ रही चलाना, इसको खेलना था गेम को, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना इसने हिट कर दिया था। इन्जॉय किया रामीन ने भी बहुत ज़्यादा, और मैंने भी पहले में जाते हुए हो रही थी कि पता नहीं कैसे रेस्टोरेंट है, खाना कैसा है यहाँ का, लेकिन सब कुछ बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और जैसे गर्मी है आजकल बहुत, तो बिल्कुल ओपन एयर में, फ्रेश एयर में अच्छा लग रहा था बैठ के। और फौरन जैसे 8-8:30 बजे आप लोग चले जाएँ तो इतना रश नहीं होता। बाकी कि उसके बाद 9:30 बजे के बाद तो यहाँ पर बर्थडे अरेंजमेंट होती हैं, उसका क्राउड हो गया था बहुत ज़्यादा। वेटर वगैरह की सर्विसेज बहुत ही अच्छी है इनकी। और ये कि खाना भी फुल टाइम पे इन्होंने सर्व कर दिया था। और बर्थडे का जैसे आप लोग अगर चाहें तो इनके जो अरेंजमेंट के प्राइस हैं वो आप लोग अपने हिसाब से, आप जितनी अरेंजमेंट करवाएंगे उस हिसाब से इनके प्राइस होते हैं। बाकी खाना आप ऑर्डर कर दें, बुफे सिस्टम नहीं है इनका। और जो है ये देखें, किसी के बर्थडे अरेंजमेंट थी यहाँ पे, तो ये मैंने वीडियो बना ली थी, तो अभी गेस्ट उनके आए नहीं थे। ये देखें कितनी अच्छी स्पेस, कितनी अच्छी है, और अब आराम से जो है काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं, जिनके 50+ भी हों तो वो भी आ सकते हैं। आप खाना ऑर्डर कर दें, खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखें कितना हसीन था, मैं आपको मेन्यू कार्ड भी दिखाऊँगी इनका। बाकी ये कि हमने जो ऑर्डर किया था वो तकरीबन 25 मिनट में आ गया था। इनका स्टार्टर भी है, स्टार्टर भी हमने ऑर्डर किया था। अच्छा, ये इनके अंदर की जगह है, हम लोग जैसे बाहर बैठे थे, जो लोग चाहें वो इधर भी बैठ सकते हैं। जैसे अगर बाहर बर्थडे अरेंजमेंट है, फुल एसी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको, और प्राइसेस भी सही हैं इनके, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। और ये मिक्की माउस रामीन के पास आया था, रामीन को समझ में नहीं आया कि मुझे कौन देख रहा है, तो फिर बाद में रामीन को ख्याल आया कि ये साहब थे जो कि इन्होंने अजलान को भी लिया गोद में, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि किसने गोद में उठा लिया एकदम से मुझे। और ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह की शॉप है, यहीं पर इन्होंने कार्ट रखा हुआ है, तो उसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं। और बच्चे तो बस अट्रैक्ट होते हैं इन्हीं चीज़ों से, इसलिए इन्होंने रखी हुई है यहाँ पे। और ये देखें, ये ऊपर का रास्ता है, ऊपर भी बर्थडे अरेंजमेंट हो रही थी इनकी। बाकी मैं आपको खाना दिखा देती हूँ। ये स्टार्टर में हमने फ्राइज़ रामीन के लिए ऑर्डर किए थे, विंग्स थे, और उसके बाद हमने प्लेटर ऑर्डर किया था, प्लेटर में हर तरह के कबाब थे। और ये मेन्यू कार्ड है इनका, टोटल डिनर जो है वो 3000 तक में हमारा आराम से हो गया था, सॉरी 4000 में, 3000 उसमें बाकी चीज़ें हमने ऐड करवाई थी। तो भैया अल्लाह ऐसी खुशियाँ दिखाए अजलान साहब को, आपके जैसे किसी के नसीब ना, चैन तुमसे ही करार तुमसे, दोनों की जिंदगी की सारी बहार तुमसे, और यूँ तो मिले हैं लाखों हंसी।
किसी के घमंड में नहीं रहते, गरूर करते हैं। दानिश साहब कहते हैं कि इश्क हो या जंग भरपूर चले जाए। दानिश साहब किसी महफिल में उस सबकी आंख में भरते हैं। हम आपसे पूछते हैं दानिश साहब।